डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि काउंटर्स जो है वो दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं, या तो सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस तरीके से। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिजाइन के बीच में डिफरेंस है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करो, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या होता है? द बेसिक डिफरेंस इज इन द डिजाइन। डिजाइन में क्या बेसिक डिफरेंस है कि सिंक्रोनस काउंटर में जैसे हमने यहां पे फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करना है, इस तरीके से हमने लेट्स से फ्लिप फ्लॉप्स को लिया और उनको आपस में कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट आप कैसे भी कर सकते हो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बट क्लॉक पल्स हम किस तरीके से लगा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे जो क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स जो हम अप्लाई करेंगे वो सिंक्रोनस अप्लाई करेंगे। सिंक्रोनस मतलब कि हम लोग एक क्लॉक पल्स देंगे, सिंगल क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और चारों के चारों जो है वो फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, एक ही टाइम पे ट्रिगर होंगे। मतलब कहने का कि लेट से मैंने यहां पे क्लॉक पल्स अप्लाई की, वट एवर इट इज, वेदर इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, उससे मैटर नहीं करता। अगर लेट से ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो जैसे ही पॉजिटिव एज मिलेगी तो चारों के चारों एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या होंगे, ट्रिगर्ड होंगे, मतलब एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है आपका सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या डिजाइन होता है? एसिंक्रोनस में लेट से ये हमारा जो है वो चार फ्लिप फ्लॉप्स है, चार ले लो, तीन ले लो, जैसे मर्जी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, डी फ्लिप फ्लॉप, टी ले लो, एस आर, जे के, वट एवर। तो हमारे पास लेने जो है वो एज ट्रिगर्ड, हम लोग एज ट्रिगर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। रीजन ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं, रेस कंडीशन वाली वीडियो चेक करना, उसमें आपको पता लगेगा कि लेवल ट्रिगर्ड हम लोग क्यों नहीं यूज करते, एज ट्रिगर्ड क्यों यूज करते हैं। यहां पे मेन चीज क्या है कि कनेक्शन आ फिर वही बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, जैसे मर्जी कनेक्शन बना लो, बट क्लॉक के ऊपर हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। यहां पे सिंक्रोनस एक बार में सभी को एक्शन में परफॉर्म किया, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले को मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, पहले वाले को मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई की, सिर्फ पहले वाले को क्लॉक पल्स दी, आउटर मतलब बाहर से क्लॉक पल्स अप्लाई की, लेकिन दूसरे वाले को क्लॉक पल्स कैसे मिलेगी, दूसरे वाले को मिलेगी आपकी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट पहले वाले की दूसरे में एज ए क्लॉक जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि लेट से अगर आप इस तरीके से इसको डिजाइन कर रहे हो तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो पहले की आउटपुट आ रही है, पहले की जो आउटपुट आ रही है वो दूसरे में क्या कर रही है, एज ए क्लॉक इनपुट जा रही है, ठीक है। ऐसे जो दूसरे की आ रही है आउटपुट वो तीसरे में एज ए क्लॉक, ठीक है। चौथे की जो आ रही है वो नेक्स्ट वाले में क्या हो रही है, एज ए क्लॉक जा रही है। तो यानी ये वाला जो है वो कब ट्रिगर होगा वो इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है, ये वाला कब ट्रिगर होगा इसकी आउटपुट पे डिपेंड करता है, ये ट्रिगर कब होगा वो इसकी आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो आपको चाहे आप क्यू बार वाली आउटपुट कनेक्ट कर लो, चाहे क्यू वाली, वो बेस्ड ऑन अगेन रिक्वायरमेंट है, बट आपको बेसिक डिजाइन मैंने यहां पे समझा दिया कि पहले वाले को हम खुद ट्रिगर करेंगे बाहर से, लेकिन ये वाला इसके आउटपुट पे, ये वाला इसके आउटपुट पे, ये वाला इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो दिस इज व्हाट एसिंक्रोनस, तभी एसिंक्रोनस हो गया ना, सारे एक बार में सिंक्रोनाइज नहीं है, पहले वाले को हम खुद कर रहे हैं, बाकी वाले बेस्ड ऑन प्रीवियस जो है वो ट्रिगर होंगे, यहां पे एक बार में सारे हो रहे हैं, ठीक है। यही सबसे मेजर डिफरेंस है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, हम लोगों ने किया कि हम लोग काउंट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को काउंट करते हैं, तो हम लोग दो तरीके से बनाते हैं सीक्वेंस, या तो हम बनाते हैं सीक्वेंस जैसे हमने बनाया कि जीरो से हम वन पे चले गए, वन से टू पे चले गए, थ्री पे चले गए, फोर पे चले गए, फोर से दोबारा फिर जीरो पे आ गए, या फिर हमने डाउन बनाया जैसे फोर से थ्री पे, थ्री से टू पे, टू से वन पे, वन से जीरो पे, जीरो से दोबारा फिर फोर पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एसिंक्रोनस काउंटर को यूज कर रहे हो तो या तो इसको आप अप कर सकते हो या डाउन कर सकते हो, बट ये चलेगा सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब कि आपने पहली स्टेज दे दी फाइव और आपने बोला कि ये अप काउंटर है, अप एसिंक्रोनस काउंटर है, तो ये फाइव के बाद सिक्स पे ही जाएगा, आपको रैंडमली फाइव के बाद जंप नहीं कर सकते। अगर आपने लेट से बोल दिया कि ये तो जी डाउन काउंटर है, डाउन काउंटर है, डाउन एसिंक्रोनस काउंटर है, तो इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर आप फाइव पे हो तो फाइव के बाद
आप 4 पे ही जा सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते कि सर 4 के बाद हम 3 पे चले जाए या 4 के बाद हम 2 पे चले जाए, नहीं, जब भी जाओगे सीक्वेंस में या तो सीक्वेंस अप या फिर सीक्वेंस डाउन। तो फिर सर हमने तो ये भी किया था कि हम कई बार ऐसे भी तो करते हैं ना सीक्वेंस कि लेट से मैं 0 पे था, 0 से मैं 4 पे चला गया, 4 के बाद मैं 2 पे आ गया, 2 के बाद मैं 6 पे चला गया, 6 के बाद मैं 3 पे। तो ये चीज हम कहां पे पॉसिबल कर सकते हैं, ये चीज आप सिंक्रोनस में कर सकते हो, ए में नहीं कर सकते। ए सिंक्रोनस में या तो अप सीक्वेंशियली या डाउन सीक्वेंशियली, यहां पे आप सीक्वेंशियली तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ इस तरीके से जंपिंग वाला सीक्वेंस भी बना सकते हो। नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आ जाता है कि ऑब्वियसली हमने किया कि हमने यहां पे सिंगल क्लॉक पल्स अप्लाई की और चारों एक बार में ट्रिगर हो गए। यहां पे एक के आउटपुट दूसरे पे, दूसरे के आउटपुट से तीसरा ट्रिगर हो रहा है, तीसरे के आउटपुट से चौथा ट्रिगर हो रहा है, तो दोनों में से ऑपरेशन फास्ट कौन करेगा, खुद ही गेस कर लो। ऑब्वियसली फास्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा। रीजन क्या है फास्टर होने का, एक बार में सभी को सिंक्रोनाइज, यहां पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली कह सकते हो स्लोर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो चल रहा है, कंपैरेटिवली इसके कंपेयर में ये क्या होगा, स्लो होगा। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट हमें ये पूछ सकते हैं कि ऑब्वियसली हमने बोला कि यहां पे हम रैंडम सीक्वेंस बना सकते हैं, यहां पे हम सीक्वेंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली सीक्वेंस या तो अप में जाएंगे या डाउन में, यहां पे हम रैंडम बना सकते हैं। तो रैंडम बनाने के लिए हमें इस, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हमने यहां पे बनाए हैं, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा सर्किट्स, एक्स्ट्रा गेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। कभी हम चाहते हैं ये ना चले, कभी हम चाहते हैं वो चले, तो एक्स्ट्रा गेट्स मतलब इसका जो डिजाइन है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और इसका डिजाइन क्या होगा आपका, इजी होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, ये डिजाइन इजी है, ये डिजाइन क्या होगा, लिटिल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक और डिफरेंस आ गया यहां पे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा, एक्स्ट्रा सर्किट्स यहां पे एक्स्ट्रा गेट्स यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या होगी इसकी, कॉस्ट होगी इसकी हाई, और इसकी कॉस्ट क्या होगी, लो होगी। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली अगर इसमें हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ये फास्टर है, ये क्या है, स्लोअर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है डिजाइन, इसका डिजाइन सिंपल है, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट यहां पे क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो कॉस्ट भी ज्यादा, यहां पे कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और लास्ट में अगर इसके स्टैंडर्ड नेम्स की बात करें, काफी पॉपुलर है, जैसे रिंग काउंटर जो है वो हम सिंक्रोनस में यूज करते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर यूज करते हैं, जिसको हम जॉनसन काउंटर भी बोल देते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं रिपल काउंटर्स, क्या वर्ड यूज करते हैं, रिपल काउंटर्स को हम लोग यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो याद रखना। डिलेज की बात करें, ऑब्वियसली इसमें डिले कम होगा क्योंकि फास्टर है, इसमें डिले जो है वो ज्यादा होगा, एक के आउटपुट दूसरे के वहां पे क्लॉक में जा रही है, दूसरे के आउटपुट तीसरे के, तो यहां पे डिले भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब आप जितने मर्जी डिफरेंस बना लो, बट मेन आपको मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।